सरकार जहां एक तरफ ग्रामीण लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात कह रही है, तो वहीं विभाग के कर्मचारी इस योजना पर सरकार की नीति को खोखला साबित करने में लगे हैं, जिसका उदाहरण FCI गोदाम पर देखने को मिला, जहां गेहूं की बोरी में मिट्टी की मिलावट मिलने के बाद हुई शिकायत के बाद DSO ने जाँच कराए जाने की बात कही है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास शब्द को निशब्द करने के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी कर्मचारी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब FCI गोदाम पर आए गेहूं की बोरी को जांच किए जाने के बाद उसमें मिली मिट्टी को देखा तो कुछ लोगों को हैरत भी हुई, क्योंकि इसमें गेहूं के साथ मिट्टी भी मिली हुई थी। इस बात की शिकायत जब उच्च अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया तो पाया कि शिकायत की पुष्टि होती दिखाई दिए जाने के बाद अधिकारियों ने जांच कराए जाने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बहरहाल इस मामले के खुलासे के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार भले ही जनता की भलाई चाहती हो, लेकिन विभागीय लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। तक आया है इसमें मिट्टी और गेहूं दोनों मिलवा है, इसके क्या नाम था? ये हमारे PDS से जो गेहूं का वितरण होता है, उसमें जो गेहूं हमारे हैं ये डायरेक्ट FCI से हमारे गोदाम पे आती है, उसके बाद हम दुकानदारों को निकासी देते हैं। तो मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि जो FCI का जो मझोला है, मझोला में जो FCI का गोदाम है, वहाँ से जो ट्रक आई है उसमें गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने अपने गोदाम प्रभारी को रोक दिया कि आप उस गेहूं को उतारोगे नहीं, मैं खुद टीम लेके आ रहा हूँ और यदि क्वालिटी अच्छी होगी तभी उतरेगा। तो यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, मेरे साथ SFC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उसके अलावा मेरे इंस्पेक्टर्स वगैरह भी हैं। मैंने खुद गेहूं के बैग्स को चेक किया है और जिसमें अधिकांश बैग जो भी मैंने खोल के देखा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें मिट्टी मिला हुआ है और प्रथम दृष्टिया ही यह खाद्य प्रतीत हो रहा है। तो अभी मैंने इसको रोक दिया है और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मैं FCI को एक पत्र लिखवा के इसकी गुणवत्ता की जाँच कराऊँगा और उसके बाद फिर आगे संबंधित जो भी होगा, यदि कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी, कराया जाएगा। मतलब FCI का चूँकि मैटर है तो FCI ही करेगी।